दरवाजा खोलो। हीरो हम लोग सीआईडी से हैं, दरवाजा खोलो। नीरव, नीरव। हमारे आने से पहले ही शायद नीरव ने सुसाइड कर लिया। अभिजीत जिंदा है, धड़कन अभी भी धीरे धीरे चल रही है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एक राहुल ही मेरी जान का दुश्मन बचा है। इससे पहले कि सीआईडी वहां पहुंचे, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। खैर, जो होना था वो तो हो चुका, पर वो अचानक गायब कैसे हो गया? क्या मालूम कैसे हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। उसकी आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वापस ना आ जाए। तुम्हारा डर सही है मानी, आ गया हूं मैं। देखो, आ गया हूं मैं। तुम अचानक कहां चले गए थे गायबी? मुझे ये बताओ वो लाश वहां कैसे पहुंची? मुझे क्या मालूम, हमें तो लगा कि लाश तुमने रखा था। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं खुद अपने लिए कब्र खोदूं? वही तो मैं भी सोच रही थी गायबी। क्या सोच रही थी तुम? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और तुम यहां क्या कर रही हो? यहां तुम शर्म नहीं आती है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। राहुल प्लीज इन्हें मत, प्लीज। अब ये ड्रामा खत्म करने का वक्त आ गया है गायबी। मार डालोगे मुझे? हाँ मारूंगा, और यही मारूंगा गायबी। राहुल राहुल, जब से स्क्रॉल और गायबी की मीटिंग हुई है तब से ये सब खून होने शुरू हुए हैं। और सर, मिस्टर प्रॉल का असिस्टेंट भी यही कह रहा था कि गायबी के मीटिंग के बाद से ही नीरव भी नजर नहीं आ रहा था। प्रॉल का खून भी उसी मीटिंग में हुआ है, और शायद नीरव ने वो खून होते हुए देख लिया और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सर लेकिन नीरव का चेहरा एकदम शांत लग रहा था सर, जैसे कि कोई ट्रांस में है। सर हो सकता है किसी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। सर मिस्टर प्रॉल के ऑडिटोरियम के बाहर जो गार्ड था ना, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये खूनी बड़ा खतरनाक है, एक एक करके सारे सबूत मिटाते जा रहा है। सर उस मीटिंग में चार लोग थे, पहला मिस्टर प्रॉल जिनका खून हो गया, दूसरा जादूगर गायबी जो भाग गया, तीसरा नीरव जो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहा, बिल्कुल सही मुस्कान, और चौथा राहुल। इस केस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राहुल। ये राहुल ही हमें बता सकता है कि उस रात क्या हुआ था। इसका चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा है। कौन है, राहुल की वाइफ है? पता नहीं पर इसे कहीं देखा है। तुमने राहुल की वाइफ को पहले कहां देखा? ये औरत वहां आई थी ऑडिटोरियम में। हाँ सर, आप इस आदमी का शूज उतार कर देखिए। अरे ये तो ग्रेट गायबी की वाइफ है, मान ली। हाँ अभी याद आया, गायबी की वाइफ पर ये यहाँ क्या कर रही है? राहुल के घर में गोली मारी,
अब ये केस कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आ गया, बोलो। सर यहाँ राहुल तो नहीं मिला है, पर मानवी की लाश पड़ी हुई है। मानवी की लाश? ये मानवी जादूगर गायब की वाइफ है, है ना? सर, किसी ने मानवी को गोली मार दी है। ये मानवी राहुल के घर पर क्या कर रही थी? तो यहाँ जैसे खून मिला है, उसे तो लगता है कि मानवी का खून इसी घर में हुआ है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि राहुल के घर में कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं था, इस राहुल और मानवी का? तुम्हें क्या लगता है? सर ये सब देख के तो कुछ ऐसा ही लगता है। और कुछ पता चला ये खून किसने किया है? सर राहुल गायब है, मानवी की लाश यहाँ है, राहुल ही होगा। सर राहुल, सर ये तो कुछ हिलडुल भी नहीं रहा है, इसे पूछेंगे कैसे? इसे शॉक देते हैं दया, इसे कुछ दिखाते। कायबी, कायबी कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कायबी, कायबी, कायबी कहाँ हो तुम? मेरा तो पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। पता नहीं कहां कहां छिपना पड़ेगा, क्या क्या भेस बनाने पड़ेंगे। कौन? मैं कौन? वही। ओ तुम हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? गायबी, पहले ये बताओ तुमने मानवी को क्यों मारा? तुम दोनों का प्यार हो गया, मैंने सोचा कोई तो गिफ्ट देना चाहिए तुम्हें। तू खूनी है। खूनी मैं नहीं, खून तुमने किया। ठहरो राहुल, रुक जाओ राहुल। तुम बहुत थके हुए हो राहुल। थकान से तुम्हें बहुत नींद आ रही है राहुल। ठहरो मानवी, यहीं रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकती मानवी, तुम्हें भी बहुत नींद आ रही है मानवी। अब ये गधा धीरे धीरे अपनी गन को मानवी की तरफ ले जाएगा। ये तुमने क्या क्या खाया भी? मेरे हाथों से तुमने मानवी का खून करवा दिया? पहले मुझे ये बताओ कि मिस्टर प्रॉल की लाश को उस डिब्बे में किसने रखा था? जिस दिन तुम बेसमेंट में मिस्टर प्रॉल से मिले थे। वेलकम मिस्टर प्रॉल। बस आप ही की कमी थी। कैबी, मैं बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। किस बात की? तुम मेरे सबसे चालाक शागिर्द निकले हो। तुमने 2 साल में मेरे सारे जादू के सीक्रेट चुरा लिए। तो मालूम पड़ गया आपको? मालूम तो पड़ना ही था, अब सारी दुनिया को पता लगेगा। उनकी लाश को डब्बे में मैंने रखवा दिया था और तुम्हारे असिस्टेंट के जरिए दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला था, लेकिन मुझे डर था वो अपना मुंह खोलने वाला था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ओ, तो तुमने मारा मेरे असिस्टेंट को? खाई भी। सो जा राहुल, जल्दी से घूमो और दया पे गोली चलाओ। दया, तुम बहुत थके हो, नींद आ रही है तुम्हें, सो जाओ दया। क्या करे? मैं देखता हूँ क्या है। अभिजीत, तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ अभिजीत। चुप, सो जा के बच्चे।
तुम बहुत थके हो, सो जाओ। जल्दी से इसकी आंखों में कोई कपड़ा डालो, इसकी आंखें बड़ी खतरनाक है, जल्दी डालो। सो जाओ। अब मैं सुलाऊंगा तुझे। सर, मैं करूं? क्यों, मैं लाइन लगा नहीं सकता? सॉरी सर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में छुपा है डॉक्टर हो? दिव्याना, तुम्हारी इस मैडम जारा ने तो और भी फंसा दिया हम लोगों को। ये देखो, देखो क्या छप के आया, फोटो भी छप गई है सीआईडी बंद विश्वास के चक्कर में। देखो फोटो, दिव्याना देखा, देखा सीआईडी की इज्जत कैसे मिट्टी में मिल गई है, हा? अब लोगों को पता चल गया है कि सीआईडी कुछ काम की नहीं रही। सॉरी सर, लेकिन सर मैं तो एक रास्ता ढूंढ रही थी केस सॉल्व करने के लिए। सॉरी? अब सॉरी बोल के क्या फायदा है? पर ये फोटो प्रेस वालों तक पहुंची कैसे? सीआईडी ब्यूरो के अंदर आके ये फोटो कौन खींच गया? हम लोग जब वो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तब शायद किसी ने छुपके से आके फोटो खींची होगी। दिव्याना, तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता है तुम्हें अब सीआईडी में नहीं रहना चाहिए। सर प्लीज सर, ये क्या कह रहे हैं सर? मैं ये तो ज्यादती है सर। ज्यादती? कैसी ज्यादती है सर? वो ऐसे किसी सीआईडी ऑफिसर को निकालना ये ठीक नहीं है सर। तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? सीआईडी की नाक कट गई उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं? चिंता है सर, लेकिन दिव्याना ने केस सॉल्व करने का एक तरीका बताया था बस। वैसे भी सर, हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये मिस्टर ओ है कहाँ। मतलब मैडम जारा को यहाँ बुलाकर हमने अच्छा ही किया है ना? यस सर। सर मैडम जारा ने डॉक्टर ओ के बारे में जो कुछ भी बताया गलत नहीं था सर। वो ऐश करता है, शांत से रहता है सर, वो अपने आप को बदल नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ? सर डॉक्टर ओ ने जो भी रॉबरी की है हमेशा 19 तारीख को की है, क्योंकि उसे ये लगता है कि नंबर 19 उसके लिए लकी है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि डॉक्टर ओ अपने आप को कभी बदल नहीं सकता। देवयाना, बार बार एक ही बात को बोलने से क्या फायदा? सर डॉक्टर ओ हमेशा अपनी कोट की पॉकेट में एक पर्पल ऑर्किड रखते हैं। पर्पल ऑर्किड? ये तो महंगा फूल है, हर जगह नहीं मिलता। सर शहर में जितने भी फूल वाले हम उन सबसे पूछ सकते हैं कि हर रोज पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। सर शहर में कम से कम 5,000 फूल वाले होंगे, मगर हम उन सबसे पूछ सकते हैं सर। तो ठीक है, शहर में जितने भी फूल वाले हैं सबसे पूछताछ करो, देखो ये पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। और देवयाना, इस मैडम जारा की वजह से तुम्हें सीआईडी से तो जाना ही पड़ेगा। है तो ये मेरी चाबी है, लेकिन कुछ अलग सी लग रही है। नेहा ने ये चाबी अभी तक अपने पास क्यों रखी? खजाना तो उसने पहले ही होटल के बॉक्स से निकाल लिया था। क्योंकि ये चाबी नेहा के लिए अभी भी बहुत जरूरी थी, कुछ सीक्रेट है इसमें। बॉस, सीआईडी आ गई। अभी सीआईडी के साथ फाइट करने का टाइम नहीं मेरे पास। चलो निकलो यहां से। डॉक्टर ओ, 25 कंट्री में इंटरपोल तुम्हें ढूंढ रही है, और आखिर पकड़ा तुम्हें सीआईडी ने। काफी नाम सुना था आप लोगों का, पता नहीं था आप लोग भी मेरे फैन हैं। सॉरी लेकिन आज ऑटोग्राफ साइन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बिजी हूं। कोई बात नहीं, जेल में आराम ही आराम रहेगा। निकल गए, वहां से निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉक्टर वापस सर कर आएगा सर, ये देखिए।
दिव्याना, तुम्हें वापस भेजा जा रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर किया गया है। पर सर वो सर हमें लगता है कि एक चांस देना चाहिए सर इसे। हाँ सर। सर ये चाबी देखिए, सर इसमें एक छोटा सा फूल बना हुआ है। सर कल जब हम लोग नेहा के घर गए थे वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी सर, जिसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे। सर डॉक्टर ओ का खजाना नेहा के घर पर ही छुपा हो सकता है शायद। हाँ ये चाबी है तो बहुत पुरानी, लेकिन इस पर ही जो फूल बना है वो अभी अभी बनाया है। सर चाबी पे फूल नेहा नहीं बनाया होगा, ये चाबी सब कुछ है सर। प्लीज सर, प्लीज ये मेरी आखिरी बात मान लीजिए। सर अगर खजाना मिल गया तो डॉक्टर ओ भी मिल सकता है। ठीक है, इस डॉक्टर ओ की गर्दन पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि नेहा ने सारे पेंटिंग, ज्वेलरी और मूर्तियां इस फ्रेम में छुपा के रखी है, हैं? सर, हम लोग ये फूल वाली चाबी के पीछे भागे जा रहे हैं और वहां और डॉक्टर ओ खून के ऊपर खून करते जा रहे हैं। कुछ है इसमें, देखो। तो इसका मतलब है नेहा ने डॉक्टर ओ का सारा खजाना बेचकर ये हीरे खरीदे हैं। तो सर इसीलिए नेहा ने अपनी चाबी में ये फूल वाली ड्राइंग बनवाई। ये डॉक्टर ओ जिंदगी भर घूमता फिरता मगर उसे ये हीरे नहीं मिलते। झूठ, एकदम झूठ। डॉक्टर ओ का खजाना कोई नहीं लूट सकता। वैसे आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा इसी के साथ। काफी सुना था मैंने आपके बारे में और आपके सीआईडी टीम के बारे में। 5 साल से जिस खजाने को मैं ढूंढ रहा था वो आप लोगों ने मुझे दिलवा दिया। थैंक यू सो मच। अब इतना बड़ा केस सॉल्व करने के बाद कोई छोटा मोटा केस मत लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। डैनी जाओ हीरे ले लो। थैंक यू एसीपी सर। वैसे हाँ आप लोगों के लिए एक तोहफा है मेरे पास, ये छोटा सा बॉम्ब, क्योंकि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एसीपी साहब आप पहले आदमी हैं जिसके मरने का मुझे बहुत दुख होगा, सच में। सॉरी एसीपी साहब। डॉक्टर कहीं नहीं भाग सकता है। उन डायमंड्स के साथ मैंने अपनी घड़ी डाल दी है। सर आपकी घड़ी? हाँ मेरी घड़ी में जीपीएस फिट है, सैटेलाइट से पता चलता रहेगा ये डॉक्टर हो जा कहाँ है। सर उस हेलीकॉप्टर से हमें फुल सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है? सर बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। गुड। कहाँ तक पहुँचा वो? सिग्नल 1 अंधेरी वेस्ट। सर
वो जू गली से गुजर रहा है और वो लोग जीपीएस के थ्रू डॉक्टरों को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टरों से कितने दूर हैं? सर 2 किलोमीटर। सर वो करानिया रोड पे रुका हुआ है सर। मेरे नाक के नीचे से हीरे लेकर भागा है। अब देखना मैं क्या करता हूँ उसका। अब हम लोग इंडिया से भाग सकते हैं। सर अब देखो तो नेहा ने कितना अच्छा काम किया है। इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स लेकर भागना बहुत मुश्किल होता, ये हीरे लेकर भागना बहुत आसान होगा। ये क्या है? वॉच? ये तो ट्रांसमीटर है। मरते मरते भी सीआईडी ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। अपना दूसरा बेचारी वॉच पर क्यों निकाल रहे हो डॉक्टर हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई पुलिस डॉक्टर ओ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ में कोई और तो नहीं है ना? नहीं कोई नहीं है। कोई गेम मत खेलना, नहीं तो फिर कभी। इंस्पेक्टर दया की सूरत नहीं देख पाओगे। दया को कुछ नहीं होना चाहिए। बैग चेक करो, पीछे जाओ। पूरे 2 करोड़ है। दो करोड़ रुपए जिंदगी निकल जाती है कमाने में। मुश्किल तो हुई होगी, अगर मैं 10 करोड़ मांगता तब दया की जान बचाने के लिए वो भी दे देता। हाँ अपने पे आई तो तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए। दूसरों की जान की कीमत नहीं है तुम लोगों को। किसकी बात कर रहे हो तुम? मौत की तरफ जा रही है वो और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मधु की बात कर रहे हो? उसे तो कानून ने सजा दी है, उसने गुनाह किया है। मैं कानून मानून कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। हर रोज मर रही है वो और मैं उसे नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। माय गॉड, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, नहीं देखो, ऐसा कुछ मत करो। देखो मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं, ओ गॉड, पागल आदमी, खुद तो मर गया लेकिन दया का पता भी लेकर गया। दया की जिंदगी का काउंटडाउन चल रहा है।
और हमारी उम्मीदें इतने सारे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। एक एक सेकंड की देर उसको मौत के मुंह के पास लेके जा रही है। अभिजीत, एक एक टुकड़े को चेक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा सर। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। फ्रेडरिक्स, मजाक मत करो प्लीज। सर, मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, दया सर के लिए कर रहा हूँ। फ्रेडरिक्स, तुम कपड़े के टुकड़े निकालो। मुस्कान, दिव्याना, कपड़ों के पीछे अलग करो सब। डॉक्टर सारंग, ये देखिए क्या है। जूते के सोल में ये मेटल का टुकड़ा, ये बॉम्ब में से आया होगा। मैं इसे क्लीन करके चेक करता हूं, आप बाकी की चीजें देखिए। क्लीन करने के बाद तो और भी चमक गया है। ये किसी प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा लगता है, प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है। इतने किडनैपर के जूते में ये प्रिंटिंग ब्लॉक, ये आया कहाँ से? सर, हो सकता है ये आदमी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता होगा, वहीं पर इसके सोल में ये मेटल पीस घुस गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा। ये एक फैब्रिक डाई है। फैब्रिक डाई? फैब्रिक डाई मतलब ये प्रिंटिंग ब्लॉक का टुकड़ा जो हमें इस जूते के सोल में से मिला है, किसी ऐसी प्रिंटिंग प्रेस में से आया जहाँ पर फैब्रिक पर प्रिंटिंग होती है। ऐसी प्रिंटिंग में ज्यादा नहीं होगी, शायद 15-20। एक एक प्रिंटिंग प्रेस छान मारो, समझे? यही था ना, यही आया था? हाँ सर, यही था। क्या क्या करने आया था वो? वो मालूम नहीं सर। अरे मालूम कैसा नहीं है, एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जल्दी बताओ और सच सच बताओ। सच सच बता रहा हूँ सर, वो यहाँ आया था, मैंने देखा था सर। फिर? लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया था सर, दीपक से बात कर रहा था। दीपक? ये दीपक कौन है, कहाँ है दीपक? आज वो आया नहीं सर। आया नहीं? उसका एड्रेस है? एड्रेस है तुम्हारे पास? गॉड, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए? देखो जरा, दया को ढूंढो, देखो दया कहाँ है। उठ उठ सर, ये जिंदा है सर, लगता है नशे की वजह से बेहोश हो गया है सर। सर, यहाँ तो सारी दीवारें पुरानी दिख रही है सर, कोई नए कंस्ट्रक्शन का काम दिख नहीं रहा है। हाँ, कच्चे सीमेंट की खुशबू भी नहीं है। दया, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? सर, मैं अभी पानी मार के इन दोनों को उठाता हूँ। सर, ये दोनों तो कुछ बोल भी नहीं रहे सर। हाँ, ये बोल नहीं रहे, टाइम निकलता जा रहा है, एक एक सेकंड की देरी दया को मौत के करीब लेके जा रही है, समझ? हाँ अभिजीत। सर, दया का कुछ पता चला? नहीं, दया यहाँ भी नहीं है। सर, हमें एक गाड़ी मिली है। क्या? बाहर लगता है दया को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया है। गुड। हैं? एसीपी साहब कहाँ है? सर, एसीपी सर और दिव्याना उन दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे सर। ओके, ये देखो, यहाँ पे रस्सी है, कंबल है, इसका मतलब दया को इसी टेम्पो में लेके आए वो लोग पार्टी में से। इस टेम्पो को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सर, ये टेम्पो सैंड के ऊपर से गया सर। हाँ, वो तो दिख रहा है फेडरिक्स, टायर में से कुछ पत्थर मिले हुए, काफी पुराने लगते हैं। सर, टायर पर अभी भी सैंड चिपकी हुई है, इसका मतलब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे सैंड है सर। करेक्ट सर, यहाँ से थोड़ी दूरी समुंदर है सर, बीच भी है और वहाँ पे काफी सैंड है। इसका मतलब इस टेम्पो को बीच के ऊपर लेके गए हैं जहाँ पे ऐसे पुराने पत्थर हैं जिनके ऊपर मॉस लगी हुई है। एक मिनट सर, पास में मड फोर्ट है और किले के पत्थर टूटते रहते हैं। मड फोर्ट हो सकता है, दया को शायद वो लोग वहीं पे लेके गए, वहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं। जब ये टेम्पो वहाँ पे गया होगा तो ये पत्थर और सैंड इस पे लग गया होगा। एक काम करो, मैं फेडरिक्स को लेके आगे चलता हूँ, तो एसीपी साहब को लेके आओ जल्दी। यस सर। कम ऑन जल्दी जल्दी से सामान निकालो, जल्दी। अभिजीत, अभिजीत चलो, दया यहीं कहीं होना चाहिए। दया,
उदया, क्या हुआ? नहीं सर, उधर तो नहीं है। दया, देखो दीवार को ठोक के देखो बराबर। दया, अभिजीत कुछ मिल रहा है? सर जल्दी आइए। हाँ। इन दीवारों का रंग बाकी दीवारों से अलग है। हाँ, शायद दया इसके अंदर बंद है, तोड़ना पड़ेगा। फ्रेडरिक्स संभाल के, कहीं दया को अंदर लगने जाए। जल्दी करो, लेकिन संभाल के करो। हरिया हरिया, संभाल के, संभाल के फ्रेडरिक्स। देखना अंदर ना लग जाए उसको। संभाल के, संभाल के। दया सर, सर, दया सर अंदर है सर। दया, दया, दया कुछ तो बोलो। दया सर, क्या? हाँ, क्या? बम, सर ठीक है, टिकट नीचे है। अरे बाप रे, उस पागल ने बॉम्ब फिट कर रखा है सर। नहीं फ्रेडरिक्स, नहीं, हाथ मत लगाओ, प्रेशर बॉम्ब है ये। जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, ट्रिगर छूट जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। इसलिए दया को इस बॉक्स में बंद करके उसे ट्रिगर के ऊपर खड़ा कर दिया है। लेकिन सर, हम लोग दया सर को अंदर रख भी नहीं सकते ना सर। हाँ फ्रेडरिक्स, लेकिन दया का वजन इतना भारी है कि अगर हमने दया को हिलाया तो ट्रिगर रिलीज होगा, प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। सर कुछ तो करना पड़ेगा सर। फ्रेडरिक्स तुम जल्दी जाके जितने भी ईंट पत्थर मिले सब लाके यहाँ जमा करो। यस सर। जल्दी, दया होल्ड, घबराओ मत दया, होल्ड। अभिजीत, हमें दया को हिलाने से पहले सारे ईंट पत्थर को जमा करके वजन बढ़ाना पड़ेगा और दया के जगह पर वो सारा वजन रख के फिर दया को हिलाना पड़ेगा। यस सर, होल्ड ऑन, घबरा मत दया, ताला तोड़ दो, संभल के। दया संभल के, लेके आओ, संभल के, नीचे रखो, अभी 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 नहीं रखना, रेडी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, जल्दी जल्दी रखो, रखो इसको। दया हिलो मत, संभल के, रेडी, आ जाओ, आ जाओ, संभल के दया, भागो। माय गॉड, दया सब ठीक है। Yes. Great work, वे. Great work. बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी की है। एक ही आदमी ने ये दोनों चीजें लिखी है। मतलब डॉक्टर रेवा ने दोनों जगह पे लिखी। मगर सर, डॉक्टर रेवा पिछले हफ्ते यहाँ ही है और ये डायरी 6 महीने पहले लिखी गई है। ये बात तो है, 6 महीने पहले डॉक्टर रेवा इस डायरी में कैसे लिख सकती थी? विवेक, दिल्ली के न्यूक्लियर सेंटर में फोन करो और उनसे कहो कि वो हमें डॉक्टर रेवा का हैंडराइटिंग का सैंपल जल्दी से जल्दी भेज दें। सर। हाँ। नहीं, ये दोनों हैंडराइटिंग रेवा के इस हैंडराइटिंग के सैंपल से नहीं मिलती। ये डायरी और ये नोट डॉक्टर रेवा ने नहीं लिखी,
इसका मतलब है वो लाश डॉक्टर रेवा की नहीं है। नहीं सर, ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है। आपको पता कैसे चला कि ये लाश डॉक्टर रेवा की ही है? सर, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला है। जब भी कोई नया साइंटिस्ट वहां लैब में आता है तो उसका डीएनए का एक सैंपल पहले से ही लेके रख लेते हैं। वो सैंपल दिल्ली से हमारे पास आया तो इनके डीएनए सैंपल से इसे मिला के देखा। जी सर, उसी से हमें पता चला कि ये कोई और नहीं डॉक्टर रेवा ही है। मगर सर, डॉक्टर रेवा तो एक हफ्ते पहले आई है दिल्ली से। जो हैंडराइटिंग हमें लैब में से मिली है वो किसी और की इनकी नहीं है। सर, वो औरत जिसने डॉक्टर ऋषिकेश को धमकी दी थी लैब में, वही औरत 6 महीने पहले डॉक्टर ऋषिकेश के घर गई थी। वहां पर वो उसकी बेटी से मिली, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और निकल गई। और जाते जाते उसने वो भी तो लिखा था बच्ची की डायरी में जो हमें मिला था। हाँ, अब ये बात साफ है कि असली डॉक्टर रेवा लैब में कभी आई ही नहीं। सर, ये लैब में कभी आई नहीं तो इसका खून हुआ कैसे? शायद खून पहले हो चुका था। हाँ सर, लाश काफी पुरानी है। डॉक्टर रेवा की जगह कोई और औरत डॉक्टर रेवा बन के लैब में घुस गई। हाँ, वो औरत एक टेररिस्ट है और इस ट्राउट से मिली हुई है। और उसी ने बनाया होगा सर वो नकली हाथ। एक लाश को उठाकर न्यूक्लियर लैब में लेके आना कोई आसान काम नहीं है। जरूर इसमें कोई और भी मिला हुआ होगा जो उस नकली डॉक्टर रेवा की मदद कर रहा है। ढूंढो उसे। अभी हैं कितने लोग? 6 साइंटिस्ट अभी भी है लैब में। सर, 5 तो बच गए हैं सर, अभी निकलने चाहिए। वो जो आदमी आ रहा है उसका नाम कवरेज है, और उसके राइट में है उसका नाम नितिन है। दोनों एक ही रेडिएशन सेंटर में काम करते हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। विवेक, तुम एक काम करो, तुम इन लोगों का पीछा करो, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। चलो, सुरेश भी आ गया। हाँ देवियन, ये जो आदमी ब्लू शर्ट में आ रहा है उस पर नजर रखो, ठीक है? अब बचे हैं 3 लोग। मैं इन दोनों के पीछे जाता हूं, अब सिर्फ एक आदमी बचा है। 6 बजे तक तो वो भी बाहर आना चाहिए। पेट्रोल 978, पासवर्ड भी क्या चुन के दिया है। यस, अब सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। क्या हो रहा है डॉक्टर ऋषिकेश के ऑफिस में? तुम क्या कर रहे हो? मैं वो, और तुम्हें ये पासवर्ड कहां से मिला? सर, वो डॉक्टर ऋषिकेश ने मुझे खुद दिया था सर। अच्छा, डॉक्टर ऋषिकेश ने तुम्हें पासवर्ड दिया और कहा सबसे चुप के मेरे कंप्यूटर से ये फाइल चुरा लो? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है वो तो, मुझे भी उनसे मिलना है। कहाँ है वो? सर, वो तो मिस्टर ट्रॉ, सर मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर कहाँ है। बहुत जल्दी भूल गए, अभी तो याद आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, तुम मिल गए हो, तुमसे सच निकलवा लूंगा। चलो सीआईडी ब्यूरो चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। अरे अरे, क्या हो रहा है? कौन है वहाँ पर? सब काम हो गया है, ये सारे के सारे सीक्रेट दे रहा है एटम बम के। अब समझो एटम बम हमारे पास आया ही आया। यहां क्यों चले आए ये लोग? मेरा प्लान बर्बाद करके छोड़ेंगे। डॉक्टर ऋषि, आप अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करिए, श्वेता से मिलने का टाइम हो रहा है।
मैं अभी आया। सर सर बहुत गड़बड़ हुई, पता नहीं सर कैसे हो गया। अबे चुप, तू यहाँ कर क्या रहा है? तुझे मना किया था यहाँ नहीं आने का, समझ नहीं आती? मैंने तो इससे पहले ही कहा था, लेकिन ये है कि इसने मेरी बात नहीं मानी। अब आप देखना, इसकी वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने प्लान की पड़ी है, जान बचाने की सोचिए सर। अबे तू यहाँ आया क्यों? वो CID का ACP प्रद्युमन मेरे पीछे पड़ गया। ACP प्रद्युमन? हाँ, एक बार वो पीछे पड़ जाए ना, फिर छोड़ता नहीं। अबे चुप, ACP प्रद्युमन को यहाँ तक आने का रास्ता किसने बताया? तूने? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ चुपके से आया हूँ। अरे अरे, ये धुआं कहाँ से आया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी आवाज कभी धुआं। पहचाना मुझे? ये तो मेरी स्टाइल है। ये मेरी कॉपी कौन कर रहा है? ये कॉपी नहीं है, ये असली शो है, असली। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अपने कान पकड़, कान पकड़। नहीं पकड़ता। CID के सामने सरेंडर हो जाओ। नहीं करूंगा, और तेरे शो की तो मैं। मामला गड़बड़ होता जा रहा है, भागो भागो भागो। अगर CID के हाथ लग गए तो हो गया काम, निकल लो चुपके से। ये मुझे अकेला छोड़ के क्यों भाग गए? सबको छोड़ के अकेले कहाँ भागी जा रही हो? अच्छे बच्चे ज्यादा तंग नहीं करते। चलो चल चल। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे तुम मालूम है? ऐसे ढोंगी के चक्कर में फंसे कैसे? पर ये आदमी तो मेरी मदद कर रहा था, ये तो मुझे मेरी बेटी से मिलवाने वाला था। कुछ नहीं करने वाला था ये। अरे ये कोई भगवान है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता? गद्दार बनाने वाला था आपको, ये न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था आपसे इसे। हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या करने वाला था? लेकिन मैं इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सीक्रेट कभी नहीं बताता, कभी नहीं। पर मेरी बेटी की आवाज, वो कहां से आई? डॉक्टर ऋषिकेश, कोई आवाज वाज नहीं थी, सब कुछ नकली था। ये तो कोई एक्ट्रेस तुम्हारी बेटी श्वेता का आवाज निकाल रही थी। अरे जरा होश में आओ, तुम जैसे लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमारे देश को बचाना चाहिए। तुम जैसे साइंटिस्टों की हमारे देश को जरूरत है। ले चलो इसे। नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।